नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण और संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय हम मौजूद हैं हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में। जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों तक इस बात को पहुंचाया है कि जो हमारे यहाँ की तपोस्थली है, गायत्री तपोभूमि के नाम से जानी जाती है। और जैसे बात करें यहाँ के संत की, जो पहले संत हुआ करते थे, ब्रह्मलीन संत थे, और जिनकी प्रतिमा आज भी स्थापित है, और लोगों की श्रद्धा जिस तरीके से उनके जीवित होने पर थी, कहीं उससे ज्यादा अब जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। और जो भी जितनी पीढ़ियां गुजरती जा रही हैं, और ये श्रद्धा महाराज जी के लिए, यानी रोटीराम महाराज जी के लिए, जो है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जा रही है। तो देखेंगे, इस समय हम गायत्री तपोभूमि इस आश्रम पर हैं, और अभी हमने दिखाया आपको जो स्वामी जी की जो प्रतिमा है वो दूसरी तरफ है, और इसी आश्रम पे ही एक दूसरे भाग में जो है यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया गया था। जो बताया जा रहा है कि 2013 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन 2013 से लगातार देखा जा रहा था कि यहाँ पर जन्माष्टमी के समय ऐसे ही जो है उत्सव मनाया जा रहा था। देख पा रहे हो काफी यहाँ पर भक्त लोग हैं, जो लगातार आने जाने का सिलसिला है, भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी है, लगातार यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और जो अभी यहाँ पर भक्त लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं, जैसे ही जो है रात्रि का माहौल आने लगता है और कृष्ण जन्म का जो है समय जो नजदीक आने लगता है, तो यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पर लोगों के लिए जो है एक पैर रखने की भी जगह नहीं बचती है। ऐसा यहाँ पर जो है प्रयास करेंगे हम लोग, रात्रि का भी नजारा आपको दिखाएं, लेकिन इस समय हम लोग आए हुए हैं, हमने सोचा पहले आपको दिखा देते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो साज सज्जा है बेहतरीन तरीके से की गई है, और साउंड सर्विस की अगर बात करें तो साउंड सर्विस भी यहाँ पर जो की गई है, बढ़िया जो उत्सव मनाया जा रहा है सभी भक्तों के द्वारा। और देखेंगे यहाँ पर साज सज्जा की अगर बात करें तो लगभग जो है यहाँ पर रुपए की कीमत नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये सभी लोग जो है, जितने भी यहाँ पर भक्त लोग हैं, सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और ऐसा प्रयास करते हैं कि बढ़ चढ़ के जो है अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जानते हैं आप, हर जगह उनका डंका बजता है, जो कन्हैया के नाम से जाने जाते हैं। और जैसे कि हमारे साथ में कुछ भक्त लोग हैं, जरा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। लगातार इस कमेटी के सदस्य जो कहलाते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो है यहाँ की कमेटी, मतलब एक ऐसे नहीं बनाई है कि कुछ, जैसे कि तमाम जगह देखा जाता है कि समिति के कुछ ही लोग चिन्हित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और यानी कि अगर जब भी इनसे बात करते हैं तो कहते थे केवल हम लोग ही कमेटी का ही किया हुआ नहीं, यहाँ पूरे नगर के लोगों का सहयोग है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है, और यही वो कारण है कि यहाँ पर जो है एक तरफा न होकर के पूरे नगर के लोग आते जाते देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं नजारा। आइए चलते हैं, थोड़ा इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब भी हम आते हैं ये लोग जो हमें यहाँ पर मिलते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे। चाचा हैं जो आज मंदिर पे साज सज्जा हुई है, कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी और क्या तैयारियां चल रही है? एक हफ्ते से तैयारी, एक हफ्ते तैयारी चल रही थी। आज जो है कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में यहाँ पर धूम मचने वाली है, कैसे उत्सव मनाया जाएगा? सब लोगों के सहयोग से उत्सव मनाया जाएगा, पूरे नगर का सहयोग है इसमें, और भजन कीर्तन और इसके उपरांत दर्शन होंगे सबके। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो है इस मंदिर में आप कभी भी आइए, शाम में आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको भजन कीर्तन मिलेगा। शाम के 7 बजे से रात के 10-11 बजे तक यहाँ पर जो भजन का सिलसिला चलता है, इसके बाद में प्रसाद वितरण होता है, और फिर सभी लोग जो है, सभी भक्त लोग घर जाते हैं। अगर संख्या की बात करें तो नगर से यहाँ पर चल करके लगभग 200 लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं शाम में, और धीरे धीरे करके जो ऐसे ये जो भक्तों का सिलसिला है इकट्ठा होता चला जा रहा है, और ये जो बड़े काफले के रूप में जो दिखने वाला है, और भी भक्त लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ में एक भक्त और हैं जो लगातार यहाँ आते जाते देखे जाते हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। देखा जा रहा है आज बढ़िया जो है साज सज्जा हुई है जन्मोत्सव की, कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं? आज बहुत जोरों से तैयारी चल रही है, पूरे नगर का यहाँ पे लोग एकत्रित हैं, और रात 12 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, और ये कंटिन्यू कार्यक्रम चलता है भजन कीर्तन। लेकिन आज विशेष जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, प्रभु कृष्ण भगवान का जन्म है आज, विशेष तौर से आज का कार्यक्रम रहेगा। लगभग कितनी क्या संख्या में यहाँ पर आज लोग आने की संभावना, जो भक्त लोगों का जो जमावड़ा लगने वाला? 5 से 6 हजार के बीच में रहेगा कार्यक्रम। यानी कि देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ रात्रि तक लोग जुटने वाले हैं, और अभी भी देख पा रहे होंगे लगातार भक्तों के आने जाने का सिलसिला जारी है। भक्त लोग आ रहे हैं, कुछ लोग मत्था टेक करके दर्शन करके, भगवान के दर्शन पा करके जो है घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो है रात्रि का माहौल यहाँ पर जो होगा, और लोगों के जो है आने जाने का सिलसिला लगातार जो है जारी है, और इकट्ठे होते चले जाएंगे। हमारे साथ में एक भक्त और हैं, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे।
आइए तो चलते हैं, अब आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। जो मंदिर है भव्य सजाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और लगातार जो अभी भी साज सज्जा का कार्य यहाँ पर जो चल रहा है, देखेंगे लाइटिंग व्यवस्था भी जो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से दी गई है, देख रहे हैं अभी अभी जो यहाँ लाइट जो है शुरू की गई है। और चलते हैं, और भी कुछ भक्त लोग हैं, जरा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर बाकी बिहारी जी हैं, इनके दर्शन भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, और जो नजारा है और भी ज्यादा भव्य होता चला जा रहा है। देखेंगे अब लाइटिंग की जो व्यवस्था थी यहाँ पर, वो भी जो है जबरदस्त तरीके से चल रही है, और अभी भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं, अच्छा से अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ की कमेटी के लिए हमारे संगम टीवी परिवार और दिव्य जागरण परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान आप सभी लोगों को धन धान से विजयी करे, और जिस तरीके से आज आप लोग जो है भगवान की सेवा पर लगे हुए हैं, भगवान आप लोगों के भंडारे को भरा रखे, और हमेशा जो भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री बांके बिहारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।